नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। सीएम मनोहर लाल इस बजट में क्या कुछ खास पेश करने वाले हैं, ये सभी देखने जा रहे हैं। आम से लेकर खास तक सभी की निगाहें इस बजट पर रहेंगी। 2022 से 23 के लिए इस बजट में क्या कुछ खास होगा, ये वाकई देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल क्योंकि कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में खासतौर पर महिलाओं की निगाहें भी इस बजट पर हैं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में सरकार द्वारा विगत वर्षों में राज्य के चहुमुखी विकास की जो ऐतिहासिक काम हमने किए और अंत्योदय को हासिल करने के लिए जो मील के पत्थर हमने स्थापित किए हैं उन पर तथा भविष्य में प्रदेश के विकास का जो हमारा विजन है उसके ऊपर विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला है। अभिभाषण के चर्चा के दौरान प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए रचनात्मक सुझाव दिए हैं जिसका मैं स्वागत करता हूं। शौक से निकालिए मेरे किरदार में नुक्स, मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। आपने आलोचना भी की होगी तो मैं उसको इस रंग से लेता हूं। नहीं, मैं आपको पहले से इस बात के लिए आपकी आलोचना का स्वागत करता हूं कि अगर आप आलोचना नहीं करेंगे तो आखिर हमको भी तो कोई ना कोई तराशने वाला चाहिए, तो हम अपने आप को आपके आलोचना के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन से और राज्यपाल जी की भी जो उपलब्धियां उन्होंने बताई हैं उस अनुसार आखिर तो विपक्ष की जो अपनी भूमिका होती है आपने निभाई है। भले आपने आलोचना भी की है, उस आलोचना का मैं पक्षधर हूं, लेकिन एक बात मैं आज ही बताऊं, मैं बजट का भाषण भी पढ़ूंगा, अपनी बजट की मांगे भी रखूंगा, उसके बाद भी विपक्ष क्या कहेगा वो आज ही बता देता हूं। मैं बता रहा हूं वो क्या कहेंगे वो आज ही बता देता हूं। रटी रटाई आलोचना, आप कितनी ही आलोचना कर लें, इतनी ही आलोचना कर लें, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं करते। हमने जो उड़ने की धार अपनी तेज की हुई है, जिस गति से हम उड़ेंगे निश्चित उड़ेंगे, हमें कोई गिरने का कोई खौफ नहीं है। इस नाते से मैं तो लोगों का कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसान हित की बात, युवाओं का उज्ज्वल भविष्य, इन सब चीजों पर अडिग हैं और ऐसा करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में हम निरंतर सुधार भी कर रहे हैं। जो कार्यप्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो रोड़े अटकाए जाते हैं इसके पीछे ये मंशा ये थी कि लोग अपने काम के लिए आपके आगे पीछे घूमते रहें और उनके काम के लिए आप उन पर एहसान चढ़ाते रहें, इस कार्य पद्धति को हमने समाप्त कर। महिंद्री से बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित शर्मा ने। क्या कुछ कहा रामकुमार कश्यप ने, आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। रघुवीर कादियान के मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इन तमाम मसलों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा से बीजेपी के विधायक रामकुमार कश्यप जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद, थैंक यू। सर, किस तरीके से देखें चौथे दिन की आज की जो कार्यवाही रही है, इस तरीके से काफी शोरगुल हुआ, काफी हंगामा रहा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि रघुवीर कादियान की इस सत्र में वापसी हो गई। बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, कोई भी विधायक है, जो सदन है वो मर्यादाओं से चलता है,
ठीक है, अंत में उन्होंने उसको जो अपना कहीं थोड़ा बहुत कमी रह गई थी उन्होंने उसको रिग्रेट किया है, और हमारे स्पीकर साहब ने माने मुख्यमंत्री ने भी उसको बड़ा ही मर्यादा में रहकर उनकी बात को स्वीकार करके पुनः उनको सदन में बैठने का अनुमति भी मिल गई है। बिल्कुल सर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल बजट पेश होना है सर, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीद करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है, इनेलो पार्टी की ओर से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप कहते हैं कि सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। निश्चित रूप से मैं भी कह सकता हूँ, निश्चित रूप से पहले भी जो बजट पेश हुए हैं पेश किए गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के, वो तो चाहे हर वर्गों के लिए मतलब लाभकारी रहे, हर वर्ग ने उससे लाभान्वित हुए। अब जो कल को बजट पेश होने जा रहा है मैं मानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है वो हर वर्ग को लेकर के, चाहे महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, शहरवासियों के लिए, ग्रामीणों के लिए, हर वर्ग के लिए जो है लाभान्वित होना की मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसा बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है वो पेश करने जा रहे हैं। आपके हलके के बारे में सर हम जानना चाहेंगे, आपने अपने हलके के बारे में भी विधानसभा के अंदर कुछ बातें या कुछ समस्याएं या जो भी आपको लगता है कि सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए, हालांकि सत्ता पक्ष के आप विधायक हैं तो ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं आएगी, लेकिन फिर भी नहीं देखिएगा, मैं मानता हूँ बहुत से हमारे हलके के जो बहुत से काम हो गए हैं, परंतु जैसे जैसे काम होते हैं ना दूसरी समस्या और पैदा हो जाती है। जैसे मान लिया एक स्कूल, आज पहले क्या था समय था जब शिक्षा का बड़ा भारी अभाव था, अब जैसे शिक्षा की अभाव कम हुआ है अब रोजगारी की समस्या बढ़ गई है, ठीक है ना। पहले अब पानी हमें पीने की बड़ी भारी दिक्कत थी, पानी मिल गया परंतु उसकी बड़ी भारी निकासी की प्रॉब्लम है। मेरे कहने का मतलब जो काम होता है दूसरी नई नई समस्या पैदा हो जाती है। तो जैसे मैं अभी जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा और मैं उसको मांग भी रखूँगा उसमें, जैसे वो सारे हरियाणा के लिए, जैसे आज हमारे मकान बन रहे हैं, गाँव में मकान बन रहे हैं, गलियाँ बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, तो क्या है आज जो मकान नए बन रहे हैं तो हर एक को जो नया मकान बन रहा है उसको होड़ लगी है, एक दूसरे से जो रैंप जो है ना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, तो उससे क्या है जो गलियां हमारी हैं सड़कें छोटी होती जा रही हैं। देखिए हमारे जो साधन आवागमन के साधन बहुत ज़्यादा हैं, फिर जब साधन है तो उनमें निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इस प्रकार चलता रहा तो ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने जा रही है, तो इसलिए मैं इस मांग रखूंगा, मेरे हलके के लिए भी है, सारे हरियाणा के लिए भी है, इसमें कोई पैरामीटर निश्चित कहें जाकर आने वाले समय में हमारी गलियां छोटी न रहें, सड़कें छोटी न पड़े और आवागमन जो सुगमता चलता रहे, बहुत बड़ी समस्या है। इसी प्रकार से जो एक मुस्तर खाते जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है किसानों की, ये मुस्तर खातों की बड़ी भारी प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि जो खाते जो हैं मुस्तर के हैं इसलिए वो ना तो उनका रजिस्ट्री हो सकती है, बड़े भारी झगड़े भी हैं इसलिए, और इनके बड़े भारी केस जो है कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए मुस्तर के जितने भी खाते हैं ये सरकार को ध्यान में ला करके लाने का मैं प्रयास करूंगा, शीघ्रता से ऐसा कोई रूल बनाए, नियम बनाए, पैरामीटर बनाए, जितने भी मुस्तर खाते हैं मतलब ये टाइम पीरियड में मतलब खत्म हो, ताकि किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिल सके। आखिरी सवाल है मेरा आपसे सर, क्योंकि ये बार बार आरोप लगाया जाता है जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो आपके विरोधी विधायक हैं, चाहे वो इनेलो के विधायक की बात करें या हम कुछ निर्दलीय विधायक एक दो जो सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बार बार सरकार को घेरने का वो काम करते हैं, उनका ये आरोप रहता है कि सरकार का सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा, और ये वजह है कि अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने विधानसभा क्षेत्र में वो जो काम करवाना चाहते हैं उनको समय पर नहीं करवा पाते। ऐसा नहीं देखेगा, ये देखेगा मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, हमारे जो है समान रूप से सभी हरियाणा में विकास हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं जितने भी मतलब क्वेश्चन लगते हैं या मतलब प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है किसी भी विधायक की, चाहे वो पोषण का किसी का, समान रूप से उसको देखा जाता है और समान रूप से उसके काम भी हो रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल बनाने की बात है, सड़क बनाने की बात है, तो मतलब उसके समान रूप से सारे काम हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में जो ठीक है वो कहने की बात दूसरी है, बाकी सभी जो है विधायक इस बात से संतुष्ट भी होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करें, थैंक यू। तो ये थे इंद्री से बीजेपी के विधायक रामकुमार कश्यप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा का चहुमुखी विकास किया जा रहा है, इसके साथ ही बजट को लेकर भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि बजट सर्वांगीण ये विकास करने वाला बजट होगा, सबका विकास इससे हो। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ अमित शर्मा। तरीके से विधायक रघुवीर सिंह कादियान को लेकर जो गहमी देखने को मिली, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। सर, किस तरीके से देखते हैं रघुवीर सिंह कादियान का जो निलंबित से सत्र से निलंबित किया जाना था उसको वापस ले लिया गया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए सभी जनप्रतिनिधि हैं और सब विश्वास जीत के इस सदन तक पहुँचे हैं, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ इसमें अगर उसी दिन रघुवीर सिंह कादियान जी अगर ये आज जो शब्द कहेंगे उस दिन कह देते तो ना तो इतना समय खराब होता सदन का, और
जो लोगों ने अपने इलाके की बात कहनी होती है उनका टाइम भी उससे वेस्ट हुआ है। और ये तो अच्छा है कि भाई, मैं सदन का धन्यवाद करता हूँ, हर सदन के एक एक माननीय सदस्य को सुन के और उनका निवारण करने का काम किया है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सवाल उठाए थे कि जब ये बिल पेश हुआ था, बिल पेश होने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, जिस दौरान उन्होंने विपक्ष के सदस्यों पर जो तंज कसे थे, उसके उत्तेजना में आकर जो है बिल की प्रतियों को जो है फाड़ा गया है। इसके ऊपर काफी बहस भी हुई, लेकिन बाद में जो है वो उसको देखा गया, बाकायदा क्लिप्स को देखा गया, किस तरीके से देखते हैं खासतौर पर इस तरीके का तंज कसना, वो भी नेता सदन के द्वारा। देखिए, ये सब बातें तो आपको पता है, वकालत वाली बातें हैं। जब सदन की गरिमा अगर कोई उसके ऊपर हो जाता है तो ये इस तरह के कदम उठाना स्पीकर का काम है कि उसने पूरा सदन चलाना है। और रही आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात, उन्होंने उसी समय अपने शब्द वापस ले लिए। अगर रघुवीर कादियान भी उस समय अपने शब्द वापस ले लेते तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो सदन का समय बचता और रचनात्मक कार्यों को हम अंजाम देते। अब ये कार्य समय वेस्ट हुआ है तो इसका खामियाजा तो उनके साथ साथ पूरे हरियाणा को ही भुगतना पड़ रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं कल जो है मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं जो जनता लगा रही है और किस हद तक जो उम्मीदें हैं जनता की उस पर खरा उतरेगा कल का बजट, खासतौर पर आपके अपने हलके की बात करें। देखिए, जो बजट से पहले जो सुझाव मांगे गए थे हर हलके से, हर प्रतिनिधि से, जनता के हर वर्ग से, तो उन सबको मैं जो समझता हूँ कल जो बजट पेश होगा उस बजट में सारी चीजें जो हरियाणा से प्रॉब्लम से संबंधित है वो सब उसमें समाहित होंगी। और दूसरा ये है कि सुझाव मांगने का हेतु ये है, अगर हर वर्ग जो है जिसको कहाँ बजट देना चाहिए, कहाँ कम करना चाहिए, उसके लिए हमारी इसके बाद विधायकों की बैठकें भी रखी हैं ताकि टारगेट हुई हो। और लेकिन इधर उधर किसी एड में चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट सत्र में विधायकों को कमेटियों में उस बजट के ऊपर पेश होने के बाद डिस्कशन करना। ये बताएं कि किस तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से आपने अपने सुझाव जो हैं, जो मुख्यमंत्री ने मांगे थे, आपने कौन कौन से सुझाव जो हैं वो दिए हुए हैं अपने हलके को लेकर? मैंने तो सबसे पहले तो यही था कि भाई आज गाँव में जो प्रॉब्लम है वो लिंक रोडों की है, तो लिंक रोड आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 25 किलोमीटर के दिए थे, वो मैंने बढ़ाने की मांग रखी है, 50 किलोमीटर तक के रोड बढ़ाए जाएं। दूसरा जो आज मेन प्रॉब्लम है वो जोड़ों की है। जोड़ पहले तो बाहर थे, आउट ऑफ विलेज थे, लेकिन आज जैसे गांव का बढ़ावा हुआ वैसे वो सेंटर में आ गए, आज वो गंदगी के अंबार बन रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री ने कौन सा अथॉरिटी बनाई लेकिन उसमें उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा, उसमें भी बजट का ज़्यादा प्रोविजन होना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ। उसी तरह से शिक्षा में, चिकित्सा में, पेंशन की स्लैब बढ़ाने में, नहरों का रिहैबिलिटेशन में, तो मैं बहुत सारे मुद्दों के ऊपर मैंने बात रखी है। और मुझे लगता है एक हमारे अरावली वो है जो बरसात के समय खेत किसानों की फसल भी खराब होती है, वहाँ भी चेक डैम बनाने के मैंने अपना सुझाव दिया है। और एक मूवेबल हॉस्पिटल पशुओं का जो वैन चले ताकि जब भी रात को पशु बीमार हो तो वो जल्दी से पहुंच जाए, तो यही सब सुझाव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने कहा कि आज की जो सदन की कार्यवाही के अंदर जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहा और खासतौर पर देरी से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह कादियान की जिस तरीके से वापसी हुई है सदन के अंदर, उन्होंने साफ शब्द में कहा कि यदि कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह कादियान पहले ही अगर अपने शब्दों को वापस ले लेते तो सदन का समय ज़्यादा व्यय नहीं होता और सभी विधायकों को जो है वो बोलने का समय जरूर मिलता। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, किस तरीके से देखते हैं सस्पेंशन को विड्रॉ कर लिया गया, आपके आने के बाद जिस तरीके का विड्रॉ जो देखने को मिला है, क्या वो कृत्य जो है जो उस दिन तीसरे दिन जो हुआ था उस वक्त भी ये डिसीजन लिया जा सकता था? देखिए, ये बात भी
जो मुद्दा था डॉक्टर कादियान ने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में दिया जाए, और सिलेक्ट कमेटी देने की बजाय सत्ता पक्ष की तरफ से शोर हो गया और नेता सदन ने कुछ ऐसे हल्का दिए जो इनको ये उत्तेजित हो गए, इन्होंने फाड़ दिया, उन्होंने रिग्रेट फील कर दिया, नेता सदन ने हिन्ने कर लिया। जिस कूट नीति के साथ आपने आज जो है इस मुद्दे को सदन के अंदर रखा वो बाकायदा जो है पूरे प्रदेशवासियों को देखने को मिला, बाकायदा जो आपने क्लिप्स देखी होंगी वहां पे अंदर चैम्बर के अंदर, उसका क्या उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन था अगर हम स्पीकर साहब की बात करें? नहीं नहीं, वो तो नेता सदन ने ये मान लिया कि ये पहले उन्होंने कही है बाद में इन्होंने फाड़ा है, तो इन्होंने दोनों तरफ से रिग्रेट होता प्रजातंत्र में ऐसे ही होता है। सर बजट को लेकर क्या कुछ रहेगा, कल बजट पेश किया जाएगा, बजट को लेकर क्या कुछ खास उम्मीदें? कल बजट पेश करेंगे, बजट अगर जनहित का होगा तो हम स्वागत करेंगे, अब तक तो कोई जनहित का बजट दिया नहीं उन्होंने, जन विरोधी होगा तो विरोध करेंगे हम तो अपनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से सदन के अंदर जो कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ जिस तरीके से सस्पेंशन को जो है वो विड्रॉ किया गया है, खासतौर पर दर्शाता है कि सदन की गरिमा को बरकरार रखने के लिए और जो कुछ देखा गया था उस क्लिप्स के अंदर, वो क्लिप्स के अंदर था एक एक्शन का रिएक्शन जो है वो निकलकर सामने आया था, जिसके बाद विधायक कांग्रेस विधायक जो है रघुवीर सिंह कादियान ने जो है वो बिल की प्रतियों को फाड़ा था। साथ ही उन्होंने कहा कि कल जो बजट पेश होगा अगर यदि वो जनहितैषी बजट होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और यदि किसी तरीके से जो जनहितैषी बिल नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो उसका विरोध किया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन की। वहीं झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने, क्या कुछ कहा गीता भुक्कल ने आपको सुनाते हैं। विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, मैम किस तरीके से देखते हैं जो आज जो सस्पेंशन था उसको विड्रॉ कर लिया गया, बहुत ही एक मजबूती के साथ जो है वो पक्ष रखा था नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, एक कूटनीति का जीता जागता उदाहरण जो है वो सदन में देखने को मिला, किस तरीके से देखते हैं? आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपको पता है 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार के सांसद, 5 बार के विधायक हैं, और एक ऐसे राजनीतिक सामाजिक परिवार से आते हैं जिनको इस चीज का सब पता है, उनको विधानसभा की कार्यप्रणाली का सारा ज्ञान है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे नेता ने इस बात को रखने का काम किया कि क्या कारण है, ऐसी क्या स्थिति और क्यों उत्पन्न हुई जिसकी वजह से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी को वो जो बिल पेश हो रहा था उसकी कॉपी फाड़नी पड़ी। लेकिन सभी चर्चा करने के बाद आज जो है स्पीकर महोदय ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सभी स्थितियों को संभालते हुए फिर से पूरा अपना योगदान दिया कि ये विधानसभा का सत्र जो है सुचारू रूप से चले, ताकि जो जनता के और भी अहम मुद्दे हैं हम उनको अच्छे ढंग से उठाने का काम कर सके। हम जिस तरीके से आपने सदन के अंदर जो है कॉलेजेस की बात रखी, मेडिकल कॉलेजेस की बात रखी, स्टाफ नर्सेज की बात रखी, किस तरीके से देखते हैं, कितनी संतुष्ट हुए आप दिखाई दी जो बयान जो है जो जवाब जो है गृह मंत्री अनिल विज ने दिया? हमारे जो गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका स्वयं का स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा खराब है, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करती हूँ। इसी के साथ साथ में हमारे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस के स्वास्थ्य की भी कामना करती हूँ, सभी हॉस्पिटल्स के स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, नर्सिंग कॉलेजेस की कामना करती हूँ। क्या कारण है कि हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर नहीं दे पा रहे? 20,000 से ज्यादा बच्चा हमारा जो है यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए गया। आज अखबारों में छपा हुआ है कि हमारा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य खराब है, वहाँ से रेफरल सर्विसेज दी जा रही हैं। बीपीएस मेडिकल कॉलेज महिला मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से भी पेशेंट्स को जो है रेफर किया जा रहा है। क्या कारण है कि हम मेडिकल कॉलेजेस में लगातार कोई डायरेक्टर नहीं दे पा रहे हैं, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर नहीं दे पा रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स नहीं दे पा रहे हैं, मेडिकल की हमारी सीट्स हम नहीं भर पा रहे हैं? क्या कारण है कि डॉक्टर्स की कमी के साथ साथ पैरामेडिक्स के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के हमारे जो है स्टाफ खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी चरमरा गई हैं? हमने प्रयास किया कि 6 आप नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा कर रहे हैं, मेरे जिला झज्जर में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आप खोलने का काम करें। पिछली बार आपने मुझे आश्वासन दिया था, तो इस बार हमें उम्मीद थी कि आश्वासन के साथ साथ वो हाँ करेंगे। हाँ करने की बजाय तो चलो उन्होंने हाँ नहीं की, लेकिन 30,000 से ज्यादा बच्चे जो कि एडमिशन के लिए पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं, और लाखों बच्चा हमारा जो है स्कॉलरशिप की इंतजार कर रहा है, जो कि सरकार ने 2018, 19, 20, 21 की स्कॉलरशिप आज तक नहीं दी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, मैं समझती हूँ, चाहे शिक्षा की बात हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन हम मजबूर करेंगे कि जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए सरकार उनको पूरा करने का काम करें। मैम एक अंतिम सवाल, किस तरीके से देखते हैं कल जो है मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, कितने आप सोच कितने क्या उम्मीद है आपकी, बजट किस तरीके का रहने वाला? कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है,
महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, एक बजट पेश करेंगे। हम समझते हैं कि ये जनहित सर्वहित का बजट होना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर किस प्रकार से सशक्त किया जाए, ये उसका बजट होना चाहिए। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने वाला बजट होना चाहिए। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज कोरोना की वजह से जो बंद हो गई थी उसको उनको रियायत देने वाला बजट होना चाहिए। कर्मचारियों को, व्यापारियों को और जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो सड़कों पर अपनी मांगों के लिए बैठी हैं, उनको कुछ रियायत देने वाला बजट होना चाहिए। और महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर किस प्रकार से सशक्त किया जाए, उनकी भागीदारी को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, इसका बजट भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस विधायिका गीता भुक्कल, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि कल का जो बजट पेश होने जा रहा है उससे सभी वर्गों को जो है काफी उम्मीदें हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कल मुख्यमंत्री किस तरह का बजट पेश करते हैं। अगर यदि वो जनहितैषी जो है बजट पेश करेंगे तो उसका स्वागत किया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन